उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की सड़कों पर मौत का सफर, शासन और प्रशासन दोनों ही हैं मौन। सरकार ने जहां प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करवाने की बात कही, तो वहीं श्रावस्ती जनपद की सड़कें और भी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। या यूं कहें कि सरकार ने सड़कों में बने गड्ढों को मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन अगर सड़कें ही तालाब बन चुकी हों तो उन्हें भला इन सड़कों को कौन मुक्त करवा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के श्रावस्ती जनपद के अंतर्राष्ट्रीय बहराई से जुमना मार्ग की, जिस पर सफर करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। इस सड़क पर चलने वाला हर इंसान अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। जी हाँ, आप कह रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, तो साहब आप खुद ही देख लीजिए कि ये सड़कें हैं या कि तालाब। जबकि ये सड़कें भारत नेपाल को भी जोड़ती हैं और इस समय भारत नेपाल के रिश्ते कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। अगर दूसरी तस्वीर आप खुद देख सकते हैं, इस लोडर ट्रक की इस तरह किसी गहरी खाई में पलटे हुए नजर आएगा, जबकि इस सड़क पर अब तक हजारों बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, लेकिन ना ही सरकार की इस ओर नजर है और ना ही प्रशासन की। आखिर इसकी सुध लेने वाला कोई तो होना ही चाहिए। पूरी जर्जर हो चुकी है, उस पर मौन का सफर लोग कर रहे हैं, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करना है। देखिए, ये सड़क शासन में बेचारा दिन है स्वीकृत हो चुकी है, बजट के कारण अभाव में रुकी हुई है। जिस दिन बजट पास हो जाएगा, ये सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा।